रेडी हो गए, पोटैटो बिस्किट कितने हार्ड और कितने क्रिस्पी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसे आप ज़रूर बनाइए, ये नए टाइप की पोटैटो बिस्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 50 ग्राम बटर लिया है और साथ में मैं एक बड़े साइज़ के आलू है उसे बॉईल किया है, इसे मैं चॉप करके इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स दूंगी। मैंने बॉईल को क्रश कर लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जो कि देखिए, एक टीस्पून सॉल्ट है, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स है, भुना कुटा ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून, थोड़ा सा अजवाइन है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा है 1/4 टी स्पून और 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अजवाइन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और रेड क्रश चिली, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। ये जो पैन है, आलू बटर का मिक्सचर में डाल देंगे और इसे हम बहुत अच्छे से ब्लेंड चम्मच से इसे हम जब तक ये एकदम स्मूथ टेक्सचर ना हो तब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। मैंने 5 मिनट तक इसे अच्छे से इसे बीट किया है। अब इसमें मैं 1/2 कप मैदा डाल रही हूँ और इसे अब हम हाथ से, जैसे हम लोग डो बनाते हैं आटा मैदा के लिए, वैसे तरह हम एक डो बनाएंगे। अगर ये सूखे या थोड़ा ड्राई रहे तो इसमें हम फिर थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क दे के इसे हम एक अच्छा सा डो बनाएंगे। और इसी बीच मैंने ओवन को 180 डिग्री पर बेक होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया है, प्री हीट होने के लिए। तब तक हम इसे रेडी करते हैं। इसे मैंने स्पैटुला से अच्छे से बाइंड कर दिया और इसे हम हाथ की सहायता से एक बॉल बनाएंगे। मैंने बना लिया है देखिए ये डो। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून और मैदा दिया है और मुझे और दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए कितना सॉफ्ट है ऐसे। अब इसे हम रोलिंग बोर्ड पर निकाल के इसे हम रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे और कोई भी डिज़ाइन आपके पास हो या सर्कल हो कोई भी शेप में इसे हम कट करेंगे। मैंने इसे स्टार शेप में कट किया है। देखिए इसका ऐसे रोटी से थोड़ा सा मैंने इसे ग्रीस किया है ट्रे पे। अब मैं इसे 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट तक इसे मैं बेक करूँगी। अब बाकी जो बचे हैं फिर इसे नेक्स्ट बैच में बेक करूँगी। सेकेंड बैच को मैं बेक करने जा रही हूँ। पहला बैच हो गया, अब सेकेंड बैच हम लोग बेक करेंगे। रेडी हो गए पोटैटो बिस्किट, कितने हार्ड और कितने क्रिस्पी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसे आप ज़रूर बनाइए, ये नए टाइप की पोटैटो बिस्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।